रोशनी और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज हम गाजियाबाद के मोहन नगर में हैं और यहाँ एक ऐसा होटल है, क्योंकि किसी शहर में जब हम जाते हैं तो हमें ठहरने के लिए कोई गेस्ट हाउस की तलाश होती है, वो भी ऐसा गेस्ट हाउस जहाँ पे सारी सुविधाएं हो और वो कम रेट पे हो। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो कम दाम का ही तलाशता है, कम दाम में अच्छी चीज़, अच्छी जगह, अच्छी फैसिलिटी। तो हम ऐसी ही चीज़ आपको दिखाने वाले हैं और हमारे साथ बात करने के लिए होटल के मालिक हैं, सीधे इनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि इस होटल में क्या क्या खासियत है और ये सस्ता है तो कितना सस्ता है। आइए सीधे बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जय भीम। सर ये होटल की खासियत क्या है? ये होटल की खासियत है, ये मेन रोड पे है, 24 घंटे बस मेट्रो अवेलेबल है, ऑन रोड है, बिल्कुल भी पैदल चलना नहीं पड़ता है, बिल्कुल हाईवे के नज़दीक है। अच्छा, कहने का मतलब अगर कोई शहर में एंट्री करता है, गाजियाबाद दिल्ली में एंट्री करता है, तो उसे भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो ये होटल जो पड़ता है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ऑन रोड पे पड़ता है, मेट्रो बस ऑटो सारी सुविधाएँ यहाँ पर है। सर इसका आप रेंट क्या लेते हैं, एक दिन का रेंट क्या है एक रूम का? देखिए हमारा जो रेंट है, जो गरीब तत्व के लोग हैं जो मजबूरी में बस आते हैं, तो हमने बोला हुआ है कि कोई बात नहीं, रेट तो वैसे तो हमारा 1100 रुपये का रेट है, पर फिलहाल जो मजदूर गरीब या इस तरह के लोग हैं जैसे रात में स्टे करना है कहीं निकल गए, तो हमने उनके लिए 599 का रेट रखा हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब मात्र 599 का। आप एक और शब्द जोड़े, गरीब तबके लोग, गरीब तबके लोगों को होटल में रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर आप कैसे ऐसे कैसे? अभी राजस्थान से कुछ आए हुए, उनके बच्चों का पेपर है गाजियाबाद में। अच्छा। अब वो रात को 12 बजे रुके, आज उनका पेपर है, तो बताइए क्या है, वो अपने बेटे को रोड पे रहेगा वो? हाँ, तो ये बातें भी क्लियर हो गई कि यदि कोई पेपर देने आता है या फिर किसी और काम से आता है, उसे रुकने की जरूरत पड़ती, ठहरने की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पे रुक सकता है और वो भी कम से कम दाम में। और इसकी क्या खासियत है सर, क्या आप कोई अदर पार्टियाँ भी करवाते हैं, शादी ब्याह भी होता है या फिर केवल ठहरने रुकने के लिए? नहीं, शादी ब्याह वाले तो हमारे अदर गेस्ट हाउस है, इसमें केवल रुकने की व्यवस्था है। अच्छा, इसमें केवल रुकने की व्यवस्था है, वो भी कम से कम दाम पे। और कितने रूम है सर यहाँ पे टोटल? इसमें 33 रूम है। अच्छा, रूम में फैसिलिटी क्या देते हैं आप? रूम पूरे नए रूम है, सारे एयर फर्नीचर है, रूम फुल एकदम, बाथरूम आप खुद दिखा दीजिए एक बार कैमरा लगा के, पूरी बहुत अच्छी कंडीशन। अच्छा, तो जैसा कि इनका कहना, हम खुद ही रूम दिखा दें आपको, ये रूम है हम दिखाना चाहेंगे और ये टॉयलेट है दिखाना चाहेंगे, पर्याप्त यहाँ पे स्पेस जो है इनफ है, ये नहाने का है, सॉरी ये हाथ मुँह धुलने का है, ब्रश करने का है, और ये सीटिंग है, और मतलब पर्याप्त जगह है। और इधर दिखाना चाहेंगे, एकदम फ्रेश रूम है, आप देख सकते हैं चादर भी बहुत फ्रेश है और लाइटिंग व्यवस्था भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे पर्याप्त हैं, उपलब्ध हैं, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये सस्ता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है, क्योंकि मिलने को तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो बात सस्ते की आती है, बहुत ही सस्ता है। और दिखाना चाहेंगे कि ये बहुत दूर तक है और ये 3 फ्लोर का है। आप थोड़ी सा आगे हैं, ये आप देख सकते हैं ये रूम है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोकेशन इसकी है और सस्ता है, सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।